तो आज की वीडियो में मैं कित्रेसु की 1987 की मूवी का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो का क्रेडिट मैं इन दो लोगों को देना चाहूंगा। अगर ये नहीं होते तो मैं कभी ये वीडियो नहीं बना पाता। तो अब बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो कित्रेसु के 1987 की मूवी की स्टार्टिंग होती है कित्रेसु के स्कूल से, जहाँ कित्रेसु क्लासरूम में सो रहा होता है और मियो को उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। और उस वक्त सर क्लास में ये पढ़ा रहे होते हैं कि दुनिया का फर्स्ट प्लेन राइट ब्रदर्स ने बनाया था। और यार तभी कित्रेसु की नींद खुलती है और यार वो बिना कुछ सोचे उठ के खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि नहीं, वर्ल्ड का सबसे पहला प्लेन कित्रेसु साइसामा ने बनाया था। उसके बाद सभी लोग कित्रेसु की बातों पर हैरान हो जाते हैं और सर पूछते हैं कि ऐसा तो इस बुक में कुछ भी नहीं लिखा है। तो यार कित्रेसु बोलता है कि इस बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो यार ये सुनने के बाद पूरी क्लास कित्रेसु पे हंसने लगती है और यार कित्रेसु को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद स्कूल खत्म होता है और यार स्कूल के बाहर बूटा गोरिल्ला और टोंगारी कित्रेसु को परेशान कर रहे होते हैं कि तुमने इतना बुरा जवाब क्लास में क्यों दिया। और वहाँ पे बस कित्रेसु यही बोलता है कि मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि यार मेरे पूर्वज यानी कि कित्रेसु साइसामा कितने बड़े इन्वेंटर थे। और यार ये बोल के कित्रेसु वहाँ से निकल जाता है। घर जाते हुए उसे रास्ते में मियो को दिखाई पड़ती है और यार वो मियो को जाके बात करता है। तो यार वहाँ पे मियो को भी उसे बोलते है कि यार तुमने इतना बेकार सा जवाब क्यों दिया। तो यार कित्रेसु उसे बोलता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है। और कित्रेसु मियो को भी यही बोलता है कि मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कित्रेसु साई कितने ग्रेट इन्वेंटर थे। उसके बाद कित्रेसु जाके अपने डैड से कित्रेसु साई के बारे में डिटेल में पूछता है और यार तब कित्रेसु के डैड बताते हैं कि कित्रेसु साई सही में एक महान वैज्ञानिक थे। उनके इन्वेंशन हमेशा लोगों के काम आते थे और उन्होंने राइट ब्रदर्स के पहले ही क्लेन का आविष्कार कर लिया था एडो पीरियड में रहते हुए। तो यार कित्रेसु अपने पापा को बोलता है कि तब तो लोग उनकी काफी ज्यादा इज्जत करते होंगे। तो यार उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, असल में उन लोगों को लगा कि यार कित्रेसु साई कोई काला जादू करते हैं और गाँव की सुरक्षा के लिए उनके सारे इन्वेंशन को जला दिया गया और कित्रेसु साई को लाइफ टाइम के लिए जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जेल में रहते हुए कित्रेसु साई सामा ने एक बुक लिखी और वो बुक अभी भी मेरे पास है। तो यार कित्रेसु बोलता है क्या मुझे वो बुक मिल सकती है। तो यार कित्रेसु के डैड अलमीरा में देखते हैं और वो बुक्स निकालते हैं और यार वो कित्रेसु को देते हैं और वो रहता है कित्रेसु डाइया का। तो यार अब कित्रेसु उसे खोल के पढ़ता है। तो यार जैसा कि तुम्हें पता है बिना सिंसुकी के वो उसे नहीं पढ़ सकता, तो यार वो उसमें कुछ भी नहीं पढ़ पाता। और यार कित्रेसु के डैड उसे बोलते हैं हमारे पास जो भी है बस यही है। तो यार कित्रेसु काफी निराश होता है, वहां से चला जाता है। और यार यहाँ पे कित्रेसु को मिलती है डाइया का, लेकिन उसको अभी भी सिंसुकी नहीं मिली है। तो यार यहाँ कित्रेसु अपने रूम में जाता है, अपने रूम में जाके बोलता है कि मैं खुद अपनी मेहनत से एक रोबोट बना के ये प्रूव करूंगा कि कित्रेसु साई कितने ग्रेट इन्वेंटर थे। और अब वो एक बड़ी सी चीज में से पर्दा हटाता है तो यार वहाँ पे एक रोबोट रहता है, कित्रेसु का अपना बनाया हुआ रोबोट। तो यार कित्रेसु उसे जस्ट पूरा कर ही लेता है और जब स्विच ऑन करता है तो यार वो रोबोट उसी को मारने के लिए भागता है और इस चक्कर में घर पर सब तोड़ देता है वो। और यार वो कित्रेसु को दौड़ाने लगता है और यार उसके बाद जो कित्रेसु होता है वो पूरे घर में इधर उधर भागने लगता है और यार फिर जाके अलमीरा से टकराता है और यार अलमीरा को तोड़ देता है और यार रोबोट भी रुक जाता है। और यार उस वक्त कित्रेसु को अलमीरा में मिलता है कित्रेसु डाइयाका को पढ़ने वाले चश्मे यानी कि सिंसुकी। और कित्रेसु अपने डैड से पूछता है ये चश्मे क्या है, तो कित्रेसु के डैड बोलते हैं ये भी कित्रेसु साइसामा का ही है। तो कित्रेसु उसे भी अपने साथ रख लेता है। और यार अब कित्रेसु रात में सो रहा होता है और सोते सोते वो सोच रहा होता है कि मैं एक ना लिखी हुई किताब और एक चश्मे के साथ अपने दोस्तों को कभी भी प्रूफ नहीं कर पाऊंगा कि कित्रेसु साई कितने ग्रेट थे। लेकिन तब कित्रेसु खुद को मोटिवेट करता है और बोलता है कि नहीं, मैं अभी भी कर सकता हूँ। और यार कित्रेसु कित्रेसु साई के ग्लास को पहनता है और यार जब वो बुक में देखता है तो यार उस देखता है कि बुक में बहुत कुछ चीजें लिखी है और इससे वो बहुत सरप्राइज होता है और बहुत ज्यादा खुश भी होता है। तो यार वो डाइयाका में पढ़ता है तो यार डाइयाका में लिखा होता है, जो कि यार कित्रेसु साई ने लिखा होता है, कि मैं एक बहुत ग्रेट इन्वेंटर था लेकिन यहाँ के लोग मुझे समझ नहीं पाए। अगर किसी को भी ये डाइयाका मिले तो इसमें जो भी इन्वेंशन है अगर वो तुम करना चाहो तो छुपा के करना, क्योंकि अगर लोगों को इन इन्वेंशन के बारे में पता चला तो तुम्हारी भी हालत मेरी जैसी हो जाएगी। तो यार कित्रेसु को ये पढ़ के बहुत ज्यादा दुख होता है। और यार जब कित्रेसु आगे देखता है तो उसमें एक रोबोट बनाने का ट्रिक लिखा होता है और अगले सुबह कित्रेसु उस रोबोट को बनाने में जुट जाता है। कित्रेसु अपने घर से सामान लेता है, बाथरूम से एक बर्तन लेता है और यार कोरोसुके को बनाता है। और यार कोरोसुके को बनाने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कोरोसुके को अपना घर साफ करने के लिए बोलता है। तो यार कोरोसुके कित्रेसु के रूम साफ कर रहा होता है और यार उसके बाद वहाँ उसकी मॉम आ जाती है
और कुरुसुके उन्हें स्टोर रूम में बंद कर देता है और बोलता है अब सारा कचरा साफ हो गया। और कित्रेसु आके बोलता है अरे तुमने ये क्या कर दिया। तो इसके बाद सीन चेंज होता है और कित्रेसु कुरुसुके को अपने दोस्तों के सामने दिखाता है और इसकी खूब तारीफ करता है, जैसे कि ये मॉडल रोबोट है, ये खा सकता है, इसके पास भावनाएं हैं, ये हंस सकता है और भी ना जाने क्या क्या कर सकता है। तो उसके बाद मियोको को ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और बूटा को धमकाता है तो ये तुरंत डर जाता है। और हमें ये भी पता चल जाता है कि कुरुसुके एक लड़ने वाला रोबोट नहीं है, जो कि कित्रेसु खुद बताता है। और यहाँ से शुरू होती है कित्रेसु डायक की असली स्टोरी, जो कि तुम्हें इस वीडियो के पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। और यार इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए तुम्हें इस वीडियो पे 200 लाइक्स करने पड़ेंगे। अब मैं ऐसा टारगेट इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक का चांस ज़्यादा है, तो मैं अपना थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ इसका पार्ट 2 डालने के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं पार्ट्स डाल दूँ और उसके बाद इन पार्ट्स पे स्ट्राइक आ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो तब तक के लिए बाय बाय।